खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैनपुरी में मौजूद हैं, मुलायम सिंह यादव का गढ़। बहरहाल, आपको कल का मैं शो याद दिलाना चाहती हूं, या पहला मेरा एंकर, मेरा संवाद जो आपके साथ हुआ था वो याद दिलाना चाहती हूं। आपको याद होगा मैंने एक चिट्ठी का जिक्र किया था और साथ में मिस्ट्री का भी जिक्र किया था। अब आप इसे कोइंसिडेंस कह दीजिए कि आज भी मास्टर स्ट्रोक की पहली खबर चिट्ठी को ही लेकर है और उसके साथ भी मैं मिस्ट्री शब्द का ही इस्तेमाल करूंगी। आज खबरों में, सुर्खियों में पूर्व सैनिकों की एक चिट्ठी छाई रही और इस चिट्ठी को लेकर मिस्ट्री इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि यह चिट्ठी जहां पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची ही नहीं, और जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी वहां सबसे पहले पहुंच गई। तो राजनीति में यह चिट्ठी चिट्ठी का जो खेल चल रहा है उससे बहुत कुछ समझने और सीखने को मिल रहा है। यह चिट्ठी मीडिया में पहुंची, सुर्खियां बटोरी और उसके बाद क्या कुछ हुआ, मास्टर स्ट्रोक की पहली खबर में अभी आप देखिए। ये वही चिट्ठी है जिसे लेकर दावा है कि इसे सेना के 156 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखा। जिनके नाम इस चिट्ठी में हैं, उनमें से बहुत से अधिकारियों ने ऐसी किसी भी चिट्ठी लिखने से इनकार किया है। कई अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। फिर सवाल ये है, ये चिट्ठी लिखी किसने, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बयान सुनिए। आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। चिट्ठी में सेना के ऐसे ही राजनीतिकरण पर आपत्ति जताई गई। अब आपको ये बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। नेताओं द्वारा बॉर्डर पार के स्ट्राइक जैसे सैन्य ऑपरेशन का श्रेय लेना और आर्म्ड फोर्सेस को मोदी जी की सेना कहना स्वीकार्य नहीं। इसके अलावा चुनावी सभाओं में पार्टी कार्यकर्ता सेना की वर्दी पहने दिखते हैं। मंचों पर और कैंपेन में सैनिकों की तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, खास तौर पर एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। इस तरह की बयानबाजी करने वालों को नोटिस भी जारी हुआ है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें डर है कि इस चुनावी माहौल में ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। इसलिए हम सम्मान के साथ आपसे आग्रह करते हैं कि तुरंत सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया जाए ताकि वो सेना, सेना की वर्दी या कोई प्रतीक का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए न करें। इस चिट्ठी पर तारीख 11 अप्रैल की है और 156 अधिकारियों के नाम है, जिनमें 8 सर्विस चीफ भी शामिल है। जनरल SF रॉड्रिक्स, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल दीपक कपूर, एडमिरल रामदास, एडमिरल विष्णु भागवत, एडमिरल अरुण प्रकाश, एडमिरल सुरेश मेहता और एयर चीफ मार्शल NC सूद। लेकिन राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने कह दिया कि उन्हें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली। इस चिट्ठी में जिन जनरल रॉड्रिक्स का नाम सबसे ऊपर लिखा है, उन्होंने भी ऐसी किसी चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूं क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। तो अगर किससे बात किया था तो कोई एंटीसीडेंस मालूम होगा कि ये फलाना यूनिट का है या रेजिमेंट का है या क्या है। लेकिन चिट्ठी से इनकार करने वालों में सिर्फ जनरल रॉड्रिक्स नहीं है बल्कि और भी अधिकारी हैं। लेटर में सेना के पूर्व वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ML नायडू का नाम 20वें नंबर पर है, लेकिन उनका कहना है कि ना तो उन्होंने ऐसा कोई पत्र लिखा है और ना ही उनकी इजाजत दी गई। चिट्ठी में एयर चीफ मार्शल NC सूरी का नाम भी है, वो भी इससे इनकार कर रहे हैं। हालांकि मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ और पूर्व नेवी चीफ विष्णु भागवत कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी के लिए अपनी सहमति दी थी। ये जो लेटर है, ये जो 150 तकरीबन वेटरन्स ने साइन किया है, इसमें मेरी भी सहमति है और मैं और मेरा नाम भी इसमें है, जो मैंने अपने आप इंडोर्स किया है। हर पॉलिटिकल पार्टी आर्म्ड फोर्सेस को इस्तेमाल करके या उनका नाम लेके वोट्स मांग रही है, चाहे योगी जब कहे मोदी की सेना, बाकी जैसे केजरीवाल कोई कमेंट दे रहे हैं या फिर कुमारस्वामी कह रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तभी आप सेना ज्वाइन कर रहे हो।
पूर्व सैन्य अधिकारियों के नाम की इस चिट्ठी ने कांग्रेस को राजनीति का और बीजेपी को कांग्रेस पर आरोप लगाने का मौका दे दिया। हमारे कॉन्वॉय को और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को अटैक करता है उस पर ना बात करके जवाबदेही से बचकर जो खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और उनके नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, किस तरीके की ढील दी जा रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे नियम कानून संवैधानिक तौर तरीके प्रजातंत्र का सम्मान को दरकिनार कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। इट इज वेरी वरिंग दैट इफ पीपल्स कंसेंट आर नॉट इवन बीइंग टेकन एंड फेक लेटर्स फेक एलिगेशंस आर बीइंग साइंड बाय सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, इट इज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल। कल ऐसे ही कांग्रेस की चिट्ठी पर भी विवाद हो गया था। पहले ये खबर आई कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन बाद में कांग्रेस इस चिट्ठी से मुकर गई। अब आज पूर्व सैन्य अधिकारियों के नाम की चिट्ठी पर विवाद शुरू हो गया। सवाल यह है कि चुनाव के इस मौसम में ऐसी चिट्ठियां कौन लिख रहा है? कौन है जो चिट्ठी लिखता तो है लेकिन पते तक पहुंचाने से पहले मीडिया में लीक कर देता है? कौन है जो चिट्ठी चिट्ठी खेल रहा है? ये चिट्ठी हमने कल रात को 12:26 पे किया था, उसका कारण तो वो ही जाने। अब मेरे को पूछेंगे तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अब जवाब अगर वो मना कर रहे हैं लिखने के बाद तो वो खुद ही वो जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब तो मैं तो दे नहीं सकता। इस खबर को आप जब देखेंगे और उसका दूसरा पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे तो एक बात आपके भी मन में आएगी। इस चिट्ठी को लिखने वाला आरोप ये लगा रहा है कि सेना का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चिट्ठी लिखने वाला भी तो सेना का ही इस्तेमाल करके आरोप लगा रहा है और आरोप सरकार पर लगा रहा है। आप याद कीजिए, इससे पहले इंटेलेक्चुअल्स ने एक चिट्ठी लिखी थी, फिर बॉलीवुड के कुछ सितारे हैं वो आगे आ गए, और अब पूर्व सैनिक जो हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक बेहद सीधा है, सेना तो बहाना है, सरकार पर निशाना है। अब जो अगली खबर है वो राजनीति फिल्म के डायलॉग से आगे बढ़ेगी। राजनीति एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते हैं, उनको जिंदा रखा जाता है ताकि वक्त आने पर वो बोल सके। और एक बार फिर से राजनीति में गड़े हुए मुर्दे, 2004 का गड़ा हुआ मुर्दा फिर से जिंदा हो रहा है। स्मृति ईरानी ने कल अमेठी से जो नामांकन दाखिल किया उसमें उन्होंने अपने आप को अंडर ग्रेजुएट बताया, बस इसके बाद कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी तो बकायदा लयबद्ध तरीके से यानी गा गा कर हमले कर रही हैं। देखिए आप, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, एक डिग्री आती है एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। तो कांग्रेस ने आज कुछ इस अंदाज में स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर तंज कसा। सवाल पहले भी उठते रहे हैं लेकिन ये ताजा विवाद हलफनामे में दिए ब्यौरे के बाद फिर शुरू हुआ। अमेठी से नामांकन के वक्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम में स्मृति ने लिखा कि 1991 में हाई स्कूल किया, 1993 में इंटरमीडिएट और फिर 1994 में बीकॉम पार्ट 1 किया। हलफनामे में ये भी लिखा है कि बीकॉम 3 साल का डिग्री कोर्स था जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। इसका मतलब स्मृति ईरानी ग्रेजुएट नहीं है। इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर ये सही है तो स्मृति ने पहले झूठ क्यों बोला। यह है स्मृति ईरानी का 2004 का हलफनामा जब वो दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। इस एफिडेविट में स्मृति के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के साल तो वही हैं, लेकिन ग्रेजुएशन का साल और कोर्स बदल गया। इसके मुताबिक उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि 15 साल में स्मृति बीए से बीकॉम और ग्रेजुएट से 12वीं पास कैसे हो गई? जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। जो भी उनकी उपलब्धियां हैं पिछले 5 साल में, हो सकता है कुछ पीएचडी कर लिया हो उन्होंने,
पर पीएचडी झूठ बोलने में क्या, वो साबित हो चुका है। एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है, गांठ बांध ले कि हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचती तब तक दम नहीं लेती। स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री बनी थी तब भी उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि 2004 के बाद हर बार उनके हलफनामे में एक ही जानकारी दी गई, लेकिन कांग्रेस 2019 में 2004 के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा नहीं है कि जो नेता पढ़ा लिखा नहीं है वो लोगों के लिए काम नहीं कर सकता है या राजनीति में आगे नहीं बढ़ा हो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई ना होने के बावजूद राजनेताओं ने देश के लिए बहुत शानदार काम किया है। और ये सारी चीजें एक बार के लिए आप भूल जाइए, चुनाव लड़ने का कानून भी इस तरह की कोई बाध्यता जो है वो नहीं रखता है। ऐसे में जितने भी लोग इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, मास्टर स्ट्रोक उन सब के लिए है। और वो ये है कि चुनाव का अगर वाकई आपको विपक्ष पर करनी है चोट तो कोई अच्छा मुद्दा ही उठाइए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये खबर जब मैं आपको बता रही हूं तो एक सवाल के साथ इस खबर को रखना चाहती हूं, और सवाल उन तमाम नेताओं के लिए है जो राजनीति करते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो किस तरीके की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी बदजुबानी और गलत बयानी कर रहे हैं। जब कभी भी कोई ऐसा विवादित बयान आता है तो सुर्खियों में आप क्या पढ़ते हैं, यही कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा है। लेकिन सवाल सुनिए, ऐसे कितने नेता आपको याद है जो गलत बयानी या विवादित बयान की वजह से जिन पर एक्शन लिया गया हो या जिनको सजा हुई हो, जिन पर कोई किसी तरह की कार्रवाई हुई हो? और शायद यही वजह है कि नेता इस तरीके के बयान देते रहते हैं, सुर्खियां बटोरते रहते हैं। सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली का मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने। अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी को पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। चुनावी मौसम में ये नेताओं की भाषा है, वोट के लिए कोई कुछ भी बोल रहा है। बजरंगली तोड़ो दुश्मन की लड़ी, बजरंगली बेरोजगारियों की बलि, बेरो बलि बजरंगली बजरंगली बजरंगली। अली और बजरंग बली के चुनावी युद्ध में कूदे आजम खान ने इस पूरे विवाद को एक नया रंग दे दिया। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ, मैं तो एक नाम दिए देता हूँ, बजरंग अली। आजम खान का यह बयान योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने अली और बजरंग बली का जिक्र हिंदू मुस्लिम वोटरों के लिए किया था। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ, योगी जी आपने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, फिर आपके किसी साथी ने कहा कि हनुमान जी ठाकुर थे, खुश हो गए महेंद्र सिंह के चलो हनुमान जी ठाकुर थे, फिर पता चला कि नहीं वो ठाकुर नहीं थे, वो जाट थे, रामपुर वालों झगड़ा ही खत्म हो गया, अब हम अली और बजरंग एक हैं। आजम खान के इस बयान से पहले चुनाव आयोग योगी से जवाब मांग चुका है, इसके बावजूद आजम खान को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा। रामपुर में उन्होंने पीएम को पाकिस्तानी एजेंट बता दिया। आप कल नवाज शरीफ के दोस्त थे और आज इमरान खान
आपके दोबारा वजीर आजम बनने का इंतजार कर रहा है। बताओ लोगों, पाकिस्तान का एजेंट मैं हूँ या पाकिस्तान का एजेंट मोदी? इस चुनाव में कोई किसी से कम नहीं। बीजेपी की मेनका गांधी ने तो मुसलमानों को धमकी दे डाली। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है। इलेक्शन जो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए? मेनका गांधी मुसलमानों को धमका रही हैं, तो साक्षी महाराज हिंदुओं को डरा रहे हैं। सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है, और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ। उनकी तारीख को केवल कमाल कमाल कमाल। मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगी कि ऐसे बड़बोले नेताओं को, बयान बहादुरों को मौका कौन देता है? एक्शन ना लेना मौका देता है। अब मेनका गांधी ये कह रही है कि उनके बयान को जो है वो अधूरा दिखाया गया है। साक्षी महाराज के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और यूपी के चुनाव अधिकारियों ने मेनका गांधी से भी जवाब मांगा है। लेकिन फिर मैं कह रही हूं दावे के साथ कि इन नेताओं का कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर चुनाव आयोग कोई ठोस कदम उठा दे तब जाकर कोई बात बनेगी। दंतहीन टाइगर, टूथलेस टाइगर जिसे कहते हैं, वही चुनाव आयोग दिख रहा है। और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक यही है, चुनाव आयोग को मिलेगा दम तो ऐसे नेता होंगे बेदम। और अब आगे बढ़ते हैं, और मास्टर स्ट्रोक की जो ये खबर है वो आपको गौरवान्वित करेगी, आपको खुश करेगी, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस सम्मानित करेगा और रूस प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेगा। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले वो शख्स है जिनको रशिया इस तरीके से सम्मानित कर रहा है। रूस के साथ अपने संबंधों को भारत सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मोदी और पुतिन जब जब गले मिले, हाथ मिलाया, तब तब इस दोस्ती का दम पूरी दुनिया ने देखा। मोदी सरकार के दौर में दिल्ली मॉस्को की दोस्ती का रंग और गहरा हुआ, रक्षा से लेकर कूटनीतिक साझेदारी और गहरी हुई, और अब इस ऐतिहासिक दोस्ती में एक और सुनहरा इतिहास जुड़ने वाला है। भारत और रूस के संबंधों का और भी विशाल विस्तार होगा। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित करने का ऐलान किया है। ये सम्मान दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती को मजबूत करने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी रूस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले हिंदुस्तान के पहले नेता है। पीएम ने भी आभार जताया, ट्विटर पर लिखा, इस गरिमापूर्ण पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं राष्ट्रपति पुतिन और रूस की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। रूस और भारत की दोस्ती की नींव बहुत गहरी है। हमारी साझेदारी का भविष्य बहुत उज्जवल है। दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग हमारे नागरिकों के लिए अप्रत्याशित परिणाम लेकर आएगा। रूस का ये सम्मान बेहद चुनिंदा लोगों को मिलता है। पीएम मोदी से पहले ये सम्मान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिल चुका है। कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव भी इससे नवाजे जा चुके हैं, और अब इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी शामिल हो गए हैं। बीते 5 सालों में नरेंद्र मोदी को मिलने वाला यह 7वां सबसे बड़ा सम्मान है। कुछ दिन पहले ही यूएई ने नरेंद्र मोदी को जायद मेडल देने का ऐलान किया था।
पिछले साल पीएम को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अक्टूबर 2018 में यूएन ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया। फरवरी 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान मिला था। 2016 में अफगानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान के अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को नवाजा था। और 2016 में ही सऊदी अरब ने सैश ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज सम्मान पीएम मोदी को दिया था। अमेरिका और रूस की दूरियां किसी से छिपी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक सूझबूझ से दोनों देशों को साधा है। नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से भी दोस्ती है तो वो पुतिन के भी करीबी हैं। ऐसे में रूस का ये सम्मान हिंदुस्तान की उसी ताकत का एक उदाहरण है। मास्टर स्ट्रोक में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होने वाली है एक नए लोकसभा क्षेत्र से। आगे देखिए सुमित अवस्थी टुनाइट। नमस्कार।